आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने साइनैप्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। अब देखो, जो हमारा यहाँ पे सिलेबस है एचईपी का, तो उसमें हमारा यूनिट वन में नर्वस सिस्टम दे रखा है, और नर्वस सिस्टम भी हमारा बेसिकली दो पार्ट में दे रखा है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो आज की वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, और जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसमें हमारे मेनली दो टॉपिक हैं। पहला हो गया ब्रेन और दूसरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड, जो कि यहाँ पे दो सेपरेट वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे साइनैप्स की। अब देखो, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जो है लास्ट टू वीडियोस देख चुके हो तभी यहाँ पे आए हो, क्योंकि उसको देखे बिना आज की वीडियो समझना वैसे भी मुश्किल है, तो उसको पहले देख लेना। अब यहाँ पे देखो साइनैप्स क्या होता है। अ साइनैप्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स टेक्स प्लेस। देखो, अब यहाँ पे ये पूरा थ्योरी पोर्शन अभी हम लोग जो है बाद में देखेंगे, पहले आप लोग सिंपली समझो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो, अभी तक आप लोग इतना तो समझ ही चुके हो कि जो हमारा न्यूरॉन है इसके अंदर हमारा क्या होता है, इसके अंदर हमारे यहाँ पे नर्व इम्पल्स का जो है क्या होता है, जनरेशन होता है, कंडक्शन होता है, और क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, या फिर कह सकते हो कि ट्रांसमिशन होता है। अब देखो, जनरेशन होता कैसे है वो सारी चीज़ें हम लोग जो है बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग। सिंपली आप जो है अपने ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे। यानी कि देखो, जैसे कोई नर्व इम्पल्स है, जब वो हमारा एक न्यूरॉन में जनरेट हो चुका है तो वो क्या होता है, वो यहाँ पे हमारा न्यूरॉन्स के अंदर ट्रांसफ़र होता है ना, और ट्रांसफ़र होते होते हमारा कहाँ जाता है, हमारा एक्जॉन टर्मिनल पे पहुँचता है। ठीक है, एक्जॉन टर्मिनल पे। और आपको पता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व्स होती हैं, तो वो यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलके ही बनी हुई होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूरॉन्स जो है एक के पीछे एक यहाँ पे जॉइंट रहते हैं, और जो हमारा सिग्नल है यानी कि जो हमारा नर्व इम्पल्स है, ये भी हमारा क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसफ़र होता रहता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो नर्व इम्पल्स है, ठीक है, ये कैसे हमारी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होती हैं, आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग को उसी के बारे में बात करनी है। अब देखो, एक चीज़ तो सिंपली समझो कि कोई भी हमारा सिग्नल है जो कि नर्व इम्पल्स के फॉर्म में है, जब वो हमारे यहाँ पे न्यूरॉन के अंदर से ट्रैवल होते होते हमारा एक्जॉन टर्मिनल तक पहुँच गया है, तो अब एक्जॉन टर्मिनल से हमारा दूसरे न्यूरॉन के कहाँ जाएगा, हमारे डेंड्राइट में ही तो जाएगा, है ना, डेंड्राइट में जाएगा। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ समझना कि जो हमारा एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन होता है, ये दोनों आपस में एकदम जॉइंट नहीं होते हैं, यानी कि इसको समझो कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में फिजिकली कोई कनेक्शन नहीं होता है, ये दोनों थोड़ी सी डिस्टेंस पे रहते हैं। अब देखो, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा जूम करके बनाएं, जैसा कि आप लोग के बुक में दे रखा है, तो देखो ये हमारा क्या, ये जो एक्जॉन टर्मिनल है, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा जूम करके कुछ इस तरीके से बना दें, ठीक है, देखो आपका जो भी मतलब बुक है या फिर कहीं भी आप लोग देखोगे तो आप लोग को इस तरीके का ही डायग्राम देखने को मिलता है। तो देखो, ये हमारा क्या होता है, ये हमारी पहली एक्जॉन की क्या होती है, एक्जॉन टर्मिनल, यानी जो एक्जॉन वाला एंड होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा ये वाला पार्ट है, ओके। और यहाँ पे देखो, ये जो हमारा दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाते हैं। देखो, ये हमारा जो जितनी भी बुक्स देखोगे या फिर कहीं भी देखोगे तो ये इसी तरीके से देखने को मिलता है, इसीलिए हम भी इसको इसी तरीके से बना रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना, जैसे हमारी कोई भी नर्व इम्पल्स है, ठीक है, तो नर्व इम्पल्स हमारा क्या हो रहा है, नर्व इम्पल्स देखो यहाँ पे आ रहा है ना, नर्व इम्पल्स हमारा जो है हमारे एक्जॉन से होते होते हमारा एक्जॉन टर्मिनल तक पहुँच रहा है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, जो हमारा एक्जॉन टर्मिनल है, तो इसके अंदर यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, हमें यहाँ पे कुछ जो है सिनैप्टिक वेसिकल्स देखने को मिलते हैं। देखो, यहाँ पे वेसिकल्स का मतलब क्या है, वेसिकल्स का मतलब आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि एक थैली टाइप का होता है, ठीक है, यानी एक कवरिंग होती है, आप कह सकते हो कि ये देखो ये होते हैं वेसिकल्स, ठीक है, वेसिकल्स, और इनके अंदर हमें यहाँ पे कुछ केमिकल्स देखने को मिलते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। देखो, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, अपने एक्जॉन टर्मिनल के पास देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या हो रहा है, नर्व इम्पल्स जो है हमारा एक्जॉन से होते होते आ रहा है। अब ये हमारा पहला न्यूरॉन है, ठीक है, फर्स्ट वाला। देखो, हम लोग इसी को जो है थोड़ा सा डिटेल जूम करके देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें जो है कुछ वेसिकल्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे हमारा नर्व इम्पल्स तो होता ही है। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा एक्जॉन टर्मिनल होता है, तो यहाँ पे हमें जो है एक चैनल देखने को मिलता है, जो होता है हमारा कौन सा होता है, कैल्शियम चैनल्स, ठीक है, Ca2+ चैनल्स। अब देखो, अगर हमारा नर्व इम्पल्स आ रहा है, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है कि इसका मतलब क्या है, हमारी जो है डीपोलराइज हो चुका होगा पोल, तभी तो नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ है, यानी कि अंदर हमारा क्या हो गया, अंदर हमारा पॉजिटिव हो चुका होगा, है ना, और बाहर हमारा क्या हो गया, बाहर हमारा निगेटिव हो चुका होगा। अब देखो क्या होगा, जैसे जैसे ये आता जाएगा, उसकी वजह से होगा क्या, ये जो हमारा Ca2+ चैनल है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे जो है ओपन हो जाएंगे, ठीक है,
देखो थोड़ा सा अभी समझो, अगर नहीं भी समझ में आएगा तो हम लोग थ्योरी पोर्शन में देखेंगे, तब आप लोग पक्का समझ जाओगे। अभी सिंपली समझो कि यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारी वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है, या फिर कह सकते हो कि देखो अगर ये इसको हटाओ, बिल्कुल हटाओ, यहाँ पे सिंपली समझो नर्व इम्पल्स आ रहा है ना। अब नर्व इम्पल्स क्या करेगा, यहाँ पे कैल्शियम चैनल को ओपन कर देगा। अब जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन होगा, ये कैल्शियम चैनल क्या करेंगे, इस वाले जो हमारा वेसिकल्स है ना, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, जो कि एक टाइप का केमिकल सिग्नल होता है, तो यहाँ पे ये Ca2+ इसके साथ क्या होंगे, बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, Ca2+ हमारे इस सिनैप्टिक वेसिकल्स के साथ जो है बाइंड हो जाएंगे। और जैसे ही ये बाइंड होंगे, होगा क्या, ये यहाँ पे जो हमारा एक्जॉन टर्मिनल है उसके बिल्कुल एंड पे चला जाएगा, यानी ये जो हमारा वेसिकल्स है ये यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद देखो क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद जो है ये ओपन हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये जो हमारा इसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स फिल थे, ये क्या होंगे, ये यहाँ पे जो है रिलीज हो जाएंगे। यानी देखो ये बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं, ठीक है, एक्जॉन टर्मिनल के, और यहाँ से हमारा जो है न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हुआ। ठीक है, रिलीज हो गया। अब देखो रिलीज होने के बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो जो हमारा ये दूसरा वाला एक्जॉन है, ये हमारा सेकेंड एक्जॉन है, और क्या है, देखो ये उसका जो है डेंड्राइट वाला पार्ट है। ठीक है, ये एक्जॉन वाला पार्ट नहीं है, देखो ये वाला पार्ट है, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जो हमारा कोई भी एक्जॉन है तो उसके डेंड्राइट के पास होते हैं हमारे कुछ रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स को हम लोग जो है कुछ इस तरीके से बनाते हैं, देखो एम नहीं है इसको, ऐसे रिसेप्टर होता है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे। अब देखो रिसेप्टर क्या होता है, देखो रिसेप्टर्स बेसिकली हमारे प्रोटीन के बने हुए कुछ सब्सटेंस होते हैं, जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं, जो कि सेल कम्युनिकेशन वगैरह में हेल्प करने का काम करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ये जो हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हुआ है, ये हमारा इस रिसेप्टर पे क्या क्या होगा, बाइंड हो जाएगा, यानी इस रिसेप्टर के साथ यहाँ पे जो है कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान से सुनना, जैसे ही यहाँ पे ये न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे रिसेप्टर्स पे बाइंड होंगे, रिसेप्टर क्या करेगा, इनको यहाँ पे जो है हमारी सेल के अंदर भेज देगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हुआ, न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे जो है रिसेप्टर्स के अंदर आ गए, और ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करेंगे, हमारा जो दूसरा वाला यहाँ पे जो न्यूरॉन है, ठीक है, सेकेंड वाला जो न्यूरॉन है, अब इनके अंदर जैसे ही रिसेप्टर्स आएंगे, ये क्या होंगे, ये दोबारा जो है आप कह सकते हो कि नर्व इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो ये हमारा पहला न्यूरॉन है, ये हमारा दूसरा न्यूरॉन है। देखो इन दोनों के बीच में ना फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, यानी ये दोनों थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे होते हैं। तो अब अगर जो हमारा पहला न्यूरॉन है, अगर उसको नर्व इम्पल्स दूसरे वाले न्यूरॉन को भेजनी है तो कैसे भेजेगा। देखो अगर मान लो डायरेक्टली कनेक्ट होते तब तो चलो हमारा ये डायरेक्टली चली जाती, क्योंकि नर्व इम्पल्स देखो ध्यान से सुनना, ये हमारा थोड़ा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, यानी कि कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है अगर कनेक्शन नहीं है तो नहीं जा सकती है। ठीक है, हवा में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तो होता नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, देखो ये जो हमारे नर्व इम्पल्स हैं, ये क्या करते हैं, अपना सिग्नल जो है दूसरे वाले न्यूरॉन को, सेकंड वाले को, इन न्यूरो ट्रांसमीटर के फॉर्म में भेज देते हैं। ठीक है, और जैसे ही हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे सेकंड वाले न्यूरॉन के अंदर जाता है, ये फिर से यहाँ पे क्या होता है, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरीके से ये यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यू चला करता है। तो आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, और देखो बाकी जितना नहीं समझो उसको हम लोग जो है अभी थ्योरेटिकल पोर्शन में समझ लेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो और देखना, जैसे ये हमारा क्या है, देखो ये हमारा एक्जॉन टर्मिनल था, है ना, और ये दूसरे वाले न्यूरॉन का क्या था, डेंड्राइट्स पार्ट। अब देखो ये हमारा जो कि देखो ये हमारा फर्स्ट न्यूरॉन है ना, ये पहला वाला न्यूरॉन है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन या फिर टर्मिनल बोल देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन बोल देते हैं। ठीक है, प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन या प्री साइनैप्टिक टर्मिनल कुछ भी बोल सकते हो। और देखो चूंकि ये हमारा बाद वाला है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पोस्ट। देखो प्री मतलब पहले, और बाद वाला पोस्ट मतलब क्या होता है, बाद में, तो इसको हम लोग बोल देते हैं पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा देखो इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोल देते हैं, साइनैप्टिक क्लेफ्ट। तो बस इतना सारा हमारा कंसेप्ट था। अब अगर आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो अब यहाँ पे इस वाले थ्योरी पोर्शन में समझ जाओगे। तो देखो साइनैप्स हमारा क्या होता है, अ साइनैप्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स टेक्स प्लेस। यानी कि ये दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन होता है, जहां से क्या होता है, हमारे न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में। नाउ साइनैप्स अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड अदर सेल्स थ्रू द यूज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो यहाँ पे देखो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स के थ्रू होता है। यानी यही हमारे जो है क्या होते हैं, रिलीज होते हैं और दूसरे न्यूरॉन के रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं, और वहाँ से हमारा फिर से नर्व इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नाउ जनरली दिस जंक्शन इज फॉर्म बिटवीन एक्जॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो यहाँ पे देखो हम लोग को पता है कि पहला न्यूरॉन का क्या होता है, एक्जॉन टर्मिनल, और दूसरे न्यूरॉन का क्या होता है, डेंड्राइट होता है ना।
न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो हमें पता है कि प्री वाले से पोस्ट वाले में ही तो सिग्नल जाता है। देखो सिग्नल कुछ इस तरीके से ही जाता है ना। अब देखो यहाँ पे जो हमारा साइनेप्स है ना, इसको हम लोग जो है दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हो गया हमारे यहाँ पे केमिकल साइनेप्स, जिसको हम लोगों ने अभी देखा है, और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। अब देखो इलेक्ट्रिकल यहाँ पे बहुत रेयरली ही देखने को मिलता है, बट दोनों के बारे में ही हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें हम लोग यहाँ पे अपने केमिकल साइनेप्स के बारे में। तो देखो ये बिल्कुल वही है जो हम लोगों ने अभी देखा। अ केमिकल साइनेप्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स थ्रू विच सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय द रिलीज ऑफ केमिकल न्यूरोट्रांसमिटर्स। यानी यहाँ पे देखो ये जो हमारे आप लोग को पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा होता है केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स। यानी इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि यहाँ पे एक वेसिकल्स के अंदर जो है स्टोर रहते हैं। यानी वेसिकल्स क्या होता है, इसको जो है कवर किया रहता है। देखो कवर क्यों किया रहता है, ताकि जो है ये बिना वजह न रिलीज हो जाए। देखो अगर ये कवर नहीं होगा तब तो ये अंदर भी रिलीज होते रहेंगे, तो यहाँ पे ये अननेसेसरी ना रिलीज हो जाए, इसके लिए यहाँ पे जो है ये वेसिकल्स के अंदर स्टोर रहते हैं। इन द केमिकल साइनेप्स देयर इज नो कंटिन्यूटी बिटवीन टू न्यूरॉन्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए स्पेस कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यानी यहाँ पे देखो क्या होता है, जो दो न्यूरॉन है वो एक दूसरे के साथ फिजिकली नहीं कंटिन्यू होते हैं, यानी कि जॉइंट नहीं होते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है प्रेजेंट होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज फ्रॉम वेसिकल्स ड्यू टू जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा नर्व इम्पल्स का फॉर्मेशन होता है, वो क्या करती हैं, वो इस सी एट हमारे कैल्शियम चैनल को ओपन कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इसके साथ बाइंड होकर हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिलीज हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये किसकी वजह से रिलीज होता है, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी साइनेप्स इन ह्यूमन बॉडी इज अ टाइप ऑफ केमिकल साइनेप्स। यानी कि देखो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी साइनेप्स होते हैं वो ज़्यादातर हमारे केमिकल साइनेप्स ही होते हैं, बहुत रेयरली ही हमें जो है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स देखने को मिलता है। अब देखो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो हमारे दो न्यूरॉन होते हैं, जिसमें से एक हमारा एक्सॉन टर्मिनल होता है और दूसरे वाले का यहाँ पे क्या होता है, डेंड्राइट होता है। तो इसमें हमारा क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कैल्शियम चैनल ओपन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर के साथ बाइंड होता है, और उसके बाद क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर हमारे सरफेस पे चले जाते हैं मेम्ब्रेन की, और यहाँ पे हमारा रिलीज हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, ये अल्टीमेटली हमारे इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं, और रिसेप्टर से होते हुए हमारा क्या होता है, दूसरे वाले न्यूरॉन के अंदर जो है एंटर कर जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है हमें केमिकल साइनेप्स देखने को मिलता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की, तो देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पेशल साइनेप होता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज अ टाइप ऑफ साइनेप्स इन विच देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन थ्रू गैप जंक्शन। देखो अभी इसको हम लोग समझ रहे हैं, पहले हम लोग तीनों पॉइंट को पढ़ लेते हैं। इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स ट्रांसमिशन अकर्स वेरी रैपिडली। यानी यहाँ पे जो ट्रांसमिशन है नर्व इंपल्स का, बहुत तेजी से होता है। दे आर वेरी फीवर इन नंबर कंपेयर टू केमिकल साइनेप्स। यानी केमिकल साइनेप्स के कंपेयर में बहुत कम ही हमें ये देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, देखो अगर आप लोगों ने हमारा सेल जंक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था, तो हम लोगों ने उसमें एक देखा था गैप जंक्शन। अब गैप जंक्शन क्या होता है, जो कि डायरेक्टली हमारा जो है किसी दो सेल के बीच में कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो हमारी जो दो न्यूरॉन है, तो इनके बीच में क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है उसमें हमारा गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है। तो इनके बीच में देखो एक डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है, और जब डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे हमारा नर्व इंपल्स आता है और डायरेक्टली हमारा इन गैप जंक्शन के थ्रू होता हुआ हमारे दूसरे न्यूरॉन में इंटर कर जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि हमारा जो कंडक्शन है या फिर ट्रांसमिशन है बहुत तेजी से होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह का रिलीज होना नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली हमारा जो नर्व इंपल्स है वो आया और इन गैप जंक्शन के थ्रू होता हुआ हमारे दूसरे न्यूरॉन में एंटर कर गया। तो यहाँ पे ये होते हैं हमारे केमिकल और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। आई होप कि आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। अब देखो ये हमारा ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द केमिकल मैसेंजर्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर अक्रॉस अ साइनेप्स, ठीक है, हम लोग को ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे देखो न्यूरोट्रांसमीटर्स आर जनरली पैक्ड इन साइनेप्टिक वेसिकल्स। देखो जहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे क्या होते हैं, वेसिकल्स के अंदर पैक होते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ नर्व इंपल्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। यानी कि देखो ज़्यादातर जो हमारा साइनेप्स होता है वो केमिकल ही होता है, तो अगर न्यूरोट्रांसमीटर होगा नहीं तो हमारा जो नर्व इंपल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा ही नहीं पाएगा। यानी कि बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल हमारा न्यूरोट्रांसमीटर प्ले करता है। अब मेरी बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनना,
देखो जो हमारी बॉडी है ना उसमें बहुत अलग अलग तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर हमें देखने को मिलते हैं, और ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है ना यही हमारे आप कह सकते हो कि हमारे मूड को यही डिसाइड करते हैं। यानी कि जब कभी कभी हम लोग बहुत अच्छा फील करते हैं तो वो भी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होता है। यानी कि हमारी बॉडी में ऐसे समझो कि अलग अलग तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि कभी हमें अच्छा फील करवाते हैं, ठीक है, और जैसे कभी हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, या फिर कभी हम बहुत दुखी होते हैं, या फिर कभी हम बहुत परेशान होते हैं, तो सबके लिए ना अलग अलग तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और यही न्यूरोट्रांसमीटर हमारे जो है अलग अलग इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ये हमारी बॉडी के अंदर प्ले करते हैं। बाकी देखो डिटेल में हम लोग जो है इनके बारे में अपने आने वाले सेमेस्टर्स में देखेंगे, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें अपने टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स की, तो इसको हम लोग यहाँ पे दो कैटेगरी के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, यानी कि जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है वो केमिकली किस नेचर का है, और दूसरा यहाँ पे बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी क्या फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है। अब अगर ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग जो है केमिकल नेचर की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमारे दो टाइप के होते हैं, देखो सॉरी तीन टाइप के होते हैं। पहला हो गया हमारा यहाँ पे अमीनो एसिड, यानी कि जिनकी प्रॉपर्टी हमारी अमीनो एसिड की होती है, और दूसरा हो गया हमारे यहाँ पे अमीन्स, यानी कि जो हमारे अमीन नेचर के होते हैं, और थर्ड हो गया हमारे यहाँ पे अदर्स, यानी कि इन दोनों को छोड़कर यहाँ पे जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो हमारे अदर्स में आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो जो हमारा अमीनो एसिड है तो इसके अंदर हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे हमारा गाबा हो गया, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, एस्पार्टेट। अच्छा देखो अभी आप लोगों को ये सारे नाम ना बहुत मतलब नए नए लग रहे होंगे और लग रहा होगा कि क्या ही है, बट जैसे जैसे आप लोग यहाँ पे फार्मेसी में आगे सेमेस्टर में पढ़ते जाओगे तो इन सब के बारे में पूरा पूरा चैप्टर दे रखा है, ठीक है, और पूरे मतलब हर एक टॉपिक से यहाँ पे 10-15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो काफ़ी फैमिलियर हो जाओगे आप लोग अपने आने वाले सेमेस्टर्स में। बाकी देखो जैसे अमीनो एसिड में हमारा गाबा हो गया, ठीक है, और अमीन्स की बात करें तो हमारा एड्रेनालिन हो गया, नॉरएड्रेनालिन, हिस्टामीन, डोपामीन, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है, बस इतना जानो, ठीक है, और अदर्स अभी नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ना है, अभी तो चलो ठीक है, अभी आप लोग नाम याद कर लो। और अदर्स की बात करें हमारे यहाँ पे एसिडाइल कोलिन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। अब देखो यहाँ पे जो हमारे अमीनो एसिड है ना तो इनके अंदर थोड़ा सा कंडक्शन फास्ट होता है, यानी कि ये थोड़ा फास्ट कंडक्ट करते हैं, और जो हमारा अमीन्स होता है इनके अंदर यहाँ पे अमीनो एसिड के कंपेयर में थोड़ा सा स्लो कंडक्शन होता है। एंड फाइनली हम लोग बात करें अपने सेकंड कैटेगरी की, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इट कैन बी अगेन क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। यहाँ पे जो है फंक्शन के बेस पे भी हम लोग इसको तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया एक्साइटेटरी, दूसरा हो गया इनहिबिटरी, और थर्ड हो गया बोथ। अब देखो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो इसका नाम देखो क्या है, एक्साइटेटरी, तो यहाँ पे ये करता क्या है, दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग द टारगेट न्यूरॉन। यानी कि यहाँ पे देखो जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है तो जो हमारा दूसरा वाला न्यूरॉन है जिसके अंदर ये जा रहा है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है। देखो स्टिमुलेट का मतलब होता है थोड़ा सा उत्तेजित कर देना, यानी कि ये थोड़ा सा न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, एक्साइट कर देते हैं, ठीक है। और देखो एक्साइट करने का मतलब क्या है, ये क्या करते हैं कि हमारा एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देते हैं। और एक्शन पोटेंशियल हमारा कैसे जनरेट होता है, जब हमारा सोडियम पंप जो है एक्टिवेट हो जाता है, हम लोग ये सारी चीज़ें जो है लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। दे इंक्रीज द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन्स इनसाइड द सेल एंड कॉज डीपोलराइजेशन, यानी कि ये क्या करते हैं, ये डीपोलराइजेशन को कॉज करने में बेसिकली हेल्प करते हैं। और एग्जांपल्स इनका हो गया हमारा यहाँ पे एसिडाइल कोलिन हो गया, एड्रेनालिन, सेरोटोनिन, तो ये सारे हमारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की, तो देखो इसका नाम क्या है, इनहिबिटरी, यानी कि ये क्या करेंगे, इनहिबिट, यानी कि थोड़ा सा रोकने का काम करेंगे। दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग द टारगेट न्यूरॉन्स, यानी कि टारगेट न्यूरॉन्स के अंदर जो भी हमारा कह सकते हो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, डीपोलराइजेशन हुआ है, उसको यहाँ पे थोड़ा सा इनहिबिट कम करने का काम करते हैं। यानी कि क्या करते हैं, दे इंक्रीज द आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। अब देखो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि जब हमारा डीपोलराइजेशन होता है तो उसको नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए क्या होता है, हमारा पोटेशियम का पंप जो है ओपन होता है, तो ये उसको ओपन करने में हेल्प करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, रीपोलराइजेशन को कॉज करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, गाबा, ग्लाइसिन और सेरोटोनिन। अब देखो जो हमारा थर्ड है उसमें हमारा क्या होता है, देखो इसमें हमारे कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं जो कि इनहिबिटरी भी होते हैं और एक्साइटेटरी भी होते हैं, यानी दोनों तरीके के एक्शन को शो करते हैं। अब इसके अंदर हमारा एग्जांपल हो गया जैसे हमारा एसिटाइल कोलिन हो गया और डोपामीन हो गया, तो ये सारे हमारे कुछ जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।